एक ऐसी जगह जहां अचानक हो जाते हैं जहाज गायब। आज तक 1000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। बरमूडा ट्रायंगल को क्यों कहा जाता है डेविल्स ट्रायंगल? रामायण और हनुमान से क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रिश्ता? वैज्ञानिकों ने खोज लिया है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े सभी राज बताएंगे आपको आज की वीडियो में। बस आप बने रहे अंत तक हमारे साथ। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। आज कई हवाई जहाज और पानी के जहाज यहाँ पर लापता हो चुके हैं, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन जहाजों का ना तो कोई मलबा मिला है और ना ही उन पर सवार लोगों की कोई लाश यहाँ से कभी बरामद हो पाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वे सभी जहाज और लोग अचानक कैसे गायब हो गए? क्या यहाँ पर कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जिनके बारे में इंसान आज तक नहीं जानता है, या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक लॉजिक? बरमूडा ट्रायंगल कुल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको के बीच सीधी रेखा खींची जाए तो जो जगह बनती है उसे ही बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के अधिकांश रहस्यों से अब पर्दा उठ चुका है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों की शुरुआत कहां से होती है। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज से यात्रा कर रहे थे कि अचानक उन्होंने आग के गोले को समुद्र में प्रवेश करते हुए देखा, और काफी देर तक समुद्र में से एक अनजान और रहस्यमय रोशनी नजर आ रही थी। क्रिस्टोफर कोलंबस को कुछ समझ नहीं आया और वे अपने साथियों के साथ किनारे पर लौट गए। इसके बाद सन 1809 में अमेरिका के एक जहाज पर 90 लोग सवार थे और अचानक वो जहाज गायब हो गया और उसके कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद 1814 में 140 यात्रियों को ले जा रहा एक जहाज अपनी दिशा भटक गया और तूफान में फंस गया, जिसके बाद जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान USS साइलॉप्स जहाज में 309 लोग सवार थे और वो भी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 9 जुलाई 1945 को यूएस नेवी कमांडर थॉमस 10 लोगों के साथ एक सफर पर निकले कि अचानक उनके प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और कंट्रोल रूम से सिग्नल टूट गए। 10 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन प्लेन का कुछ अता पता नहीं लग सका। इसी घटना के कुछ महीने बाद 5 दिसंबर को फ्लोरिडा से 5 विमान उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग पर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में दाखिल होते हैं तो सभी लोगों को अचानक घबराहट होने लगती है। उनका कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल खो जाते हैं, नेविगेशन भी ठीक से काम नहीं करता, और 10 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट जाता है। उन 5 विमानों में कुल 14 लोग सवार थे और सभी एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उसी शाम को एक दूसरे हवाई जहाज से 13 लोगों की टीम ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन उन 13 लोगों और रेस्क्यू के लिए गया विमान भी दोबारा कभी लौट कर नहीं आ पाता। अचानक सारे प्लेन कहां गायब हो रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये सीधे तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के सामने प्रकृति की चुनौती थी। सन 1946 में कुछ वैज्ञानिकों ने सभी विमानों और जहाजों के क्रैश होने की बारीकी से जांच की, और तब पता चला कि एक निश्चित लोकेशन पर ही सारे विमान गायब हुए हैं। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल ही थी। हालांकि इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम सन 1964 में एक अमेरिकी लेखक द्वारा दिया गया। आज तक ना जाने कितने हवाई जहाज और समुद्री जहाज इस जगह पर गायब हो चुके हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे समुद्र में सी वोल्केनोस बने हुए हैं। जब भी उनमें एक्सप्लोड होता है तो समुद्र में तूफान आ जाता है, पूरे समुद्र का संतुलन हिल जाता है, पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और इसी कारण जहाज डूब जाते हैं। समुद्र में हलचल के कारण जहाज डूबने की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन हवा में उड़ते जहाज कैसे गायब हो जाते हैं इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास हेक्सागोनल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के क्लाउड्स पहली बार सैटर्न प्लेनेट पर पाए गए थे। इन हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण साइक्लोन्स आते हैं, समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठती हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और मौसम अचानक बिगड़ जाता है, और इसी मौसम के कारण बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा भी बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एलियंस रहते हैं और एलियंस ही यहां से जाने वाले सभी जहाजों को गायब करते हैं। कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं। ये भी कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक समय पर अटलांटिस नाम का शहर हुआ करता था, और उस शहर से कुछ तरंगें निकलती हैं, जिस कारण जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है समुद्र के नीचे यहाँ पर कुछ पिरामिड्स बने हुए हैं। कुछ का कहना है कि इस एरिया में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, जिस कारण सभी जहाज अचानक डूबने लगते हैं। जो भी जहाज यहाँ से गुजरते हैं वो भारी होने लगते हैं। यहाँ से सही सलामत वापस आने
आने वाले जहाज चलाने वाले कैप्टन्स ने बताया कि यहाँ जाते ही ऐसा लगता है कि मानो उन्हें कोई ताकत समुद्र में खींच रही है। अमेरिका के विरोधी देशों का ये कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे अमेरिका ने एक सीक्रेट बेस बना रखा है। यहाँ पर अमेरिका के वैज्ञानिक गुप्त रिसर्च करते हैं, हथियार बनाते हैं, नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं और किसी को इस जगह के बारे में जानकारी ना मिल जाए, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज अमेरिका द्वारा ही गायब कर दिए जाते हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों से भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए लंका जा रहे थे, तभी समुद्र में एक राक्षसनी के साथ उनका आमना सामना हुआ। उस राक्षसनी के पास ये ताकत होती है कि वो किसी की भी परछाई को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच सकती है। हनुमान जी ने उस राक्षसनी को परास्त कर दिया था और तब से लेकर आज तक वो राक्षसनी ही बरमूडा ट्रायंगल रह रही है। बरमूडा ट्रायंगल को पायरेट्स और समुद्र कैप्टन्स की आत्माओं से जोड़कर भी देखा जाता है। लोगों का कहना है कि इस जगह से भूतिया आवाजें आती हैं और कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा की माने तो भगवान शिव ने रावण से उसकी मणि ले ली थी और शिव जी ने हनुमान जी से कहा कि ये मणि कहीं दूर जाकर छिपा आए। उस मणि में बहुत शक्तियां थी और वो बहुत चमकदार भी थी। हनुमान जी ने वो मणि बरमूडा ट्रायंगल वाली जगह पर छिपा दी। इसी मणि की शक्तियों के कारण बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज दिशाहीन हो जाते हैं और उन्हें अपनी और खींच लेता है। दोस्तों, इनमें से कौन सी बात में कितनी सच्चाई है, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितनी भी बातें प्रचलित हैं, हम सिर्फ वो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इतने रहस्यों के कारण ही बरमूडा ट्रायंगल को धरती का ब्लैक होल भी कहा जाता है। आपके हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कौन सी बात सही है, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।